स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु और बड़ौदा के बीच में अभी महामुकाबला चल रहा है, जहां पे दोस्तों तमिलनाडु टीम का बॉलर का धुआंधार बॉलिंग के सामने 36 रनों पे बड़ौदा टीम का 6 विकेट गिर गया था। फिर दोस्तों बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए विष्णु ए सेठ ने अच्छे सरदारी बनाते हुए टीम को एक सम्मानजनक टोटल तक पहुँचाया। कैसे हुआ ये सारे चीज़ मैं अभी आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ। दोस्तों अगर आप भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कोई भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़रूर वो कौन सी टीम है कमेंट करके बताइएगा। पहले दोस्तों तमिलनाडु और बड़ौदा के बीच में जो फाइनल मुकाबला हो रहा है, इनके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये दोनों टीम अपने ग्रुप स्टेज में हर एक मैच में विजेता हुआ और दोस्तों उसके बाद क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में बहुत ही मुश्किल तरीके से जीत कर ही इस बार फाइनल में प्रवेश किया है। 38 ऐसे टीम के बीच में ये दोनों टीम अपने दबदबा पेश करते हुए यहाँ पे अपने सामने हुए। दोस्तों बता दूँ इस मैच जो फाइनल, इसमें दिनेश कार्तिक तमिलनाडु टीम का कप्तान है और दोस्तों केदार देवधर बड़ौदा टीम का कप्तान है। दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग करने का फैसला लिया। उनका यह फैसला सही साबित कर दिया दूसरे ओवर में बी अपराजित ने। बता दूं दोस्तों उन्होंने यहाँ पे राठौर को अरुण कार्तिक के हाथों में कैच कराकर पहले झटका दिया, फिर दोस्तों केदार देवधर और विष्णु सोलंकर के बीच में 16 रन का साझेदारी होते हैं। बता दूं दोस्तों स्पिन ट्रैक ये पीच में बहुत ही शानदार बॉलिंग एम सिद्धार्थ ने किया है। उनका शिकार बने केदार देवधर, जिन्होंने 10 बॉल का सामना करते हुए 16 रन बनाकर आउट हुए और 3 चौका ही जड़ पाए। दोस्तों उसके बाद जो हुआ शायद किसी ने सोचा तक नहीं था, क्योंकि दोस्तों एक के बाद एक विकेट गिरता ही जा रहा था। एम सिद्धार्थ का शिकार यहाँ पे हार एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बने। दोस्तों बता दूँ एस पैटल ने 1 रन बनाकर, पानुआ ने बिना खाता खोले, तो दोस्तों यहाँ पे अभिमन्यु राजपूत ने 8 बॉल में 2 रन बनाकर, तो दोस्तों कार्तिक ने यहाँ पे 4 बॉल में 4 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ एम सिद्धार्थ को इस मैच में 4 सफलता हासिल हुए। दोस्तों मणिमरन सिद्धार्थ ने 4 ओवर में 20 रन खर्च करते हुए 4 बहुत बड़े बड़े सफलता अपने नाम किया। फिर दोस्तों यहाँ पे लड़खड़ाते हुए नजर आए बड़ौदा टीम, 36 रनों पे 6 विकेट हो गया। फिर दोस्तों विष्णु सोलंकी और ए सैयद के बीच में एक अच्छे साझेदारी हुआ। दोस्तों बता दो दोनों दिग्गज क्रिकेटर ने जहाँ तक हो पाए अच्छे कमबैक कराने का कोशिश करे। दोनों के बीच में दोस्तों 62 रन की साझेदारी होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 18 ओवर तक की साझेदारी चले तो दोस्तों ये सेट ने इस मैच में 30 गेंदों का सामना करते हुए 29 रन बनाया। दोस्तों उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के जड़े उनके साथ निभाया। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाले और पिछले समय में स्टार क्रिकेटर रह चुके हैं विष्णु। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ विष्णु सोलंकी ने इस मैच में बहुत ही शानदार बैटिंग करे और उनके वजह से ही यहाँ पे 20 ओवर में बड़ौदा टीम ने 120 रन बनाया। विष्णु ने इस मैच में 49 रन बनाया, जहाँ पे दोस्तों अंतिम ओवर में उन्होंने 2 छक्के भी जड़े। दोस्तों तमिलनाडु टीम का सबसे सफल यहाँ पे बॉलर रहा है एम सिद्धार्थ, जिनको 4 सफलता हासिल हुए। इनके अलावा अपराजित, सनू यादव और एम मोहम्मद को 1-1 सफलता हासिल हुए। 121 रन का पीछा करने उतरी अभी तमिलनाडु टीम ने 1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाकर 5 रन बना चुके हैं। तो दोस्तों ये मैच ख़त्म होने दीजिए, मैं बाकी आपको डिटेल में शेयर करूँगा।